मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रोचक मामला सामने आया है। एक दलित शिक्षक के निधन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने शव यात्रा के दौरान राम बोलो भाई राम बोलो के जयघोष की बजाय भीम बोलो भाई भीम बोलो के जयघोष किया। शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय मिश्रा जी चौहान का अचानक निधन हो गया। उनके निधन पर अंबेडकरवाद की सोच रखने वाले समाजजनों ने शव को सफेद की बजाय नीला कफन उढ़ाया। भीषण गर्मी के चलते शव को नीले कपड़े से ही छाव की गई। सबसे अजीब बात यह रही कि परंपरागत रूप से हिंदू संस्कृति के अनुसार किसी का निधन होने पर शव यात्रा के दौरान राम बोलो भाई राम बोलो का उद्घोष किया जाता है, लेकिन यहाँ भीम बोलो भाई भीम बोलो का उद्घोष किया गया। यही नहीं, शव यात्रा के दौरान यात्रा में शामिल लोग नीले रंग के झंडे लेकर चल रहे थे। शिक्षक का निधन 12 को हुआ और 13 तारीख को शव यात्रा निकाली। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पिछले 12 तारीख को मिश्रा जी चौहान, जो शिक्षक पेशे से शिक्षक थे लेकिन एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खरगोन जिले में प्रत्येक गांव में अंबेडकरवाद को फैलाया, शिक्षा समाज में जो कुरीतियाँ हैं इनको ले काम किया, और उनका देहांतवास हुआ तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी थे उन्होंने अंतिम समय पर उनको नीले कफन में और नीले झंडे के बैनर तले अंतिम संस्कार उनका किया गया, और उनकी शव यात्रा में सारे साथियों ने जय भीम बोलो भाई जय भीम बोलो के जय घोष के साथ में उनको विदाई दी गई। क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे ये सोच थी कि जितने भी अंबेडकरवाद को, जो अंबेडकरवाद एक ऐसी चीज़ है जो मानवता का प्रतीक है, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य समानता बराबरी का अधिकार देने का है, तो वो उस वाद को गाँव गाँव फैलाने वाले को हम लोग चाहते हैं कि ऐसे विदाई हो जाए ताकि उसकी मतलब आत्मा को भी शांति मिले।